मित्रों, व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, व्यक्ति चाहे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, सफलताएं छू सकता है, बस अगर वो सही लक्ष्य पर अगर अपना भेद साधे रहे तो हर एक मुकाम की सफलताओं की ओर जा सकता है। अपने मेहनत और लगन और परिश्रम से हर चीज़ हासिल कर सकता है। बस उम्मीद है अपने लक्ष्य पे और अपनी मेहनत पे काबिलियत हौसला बनाए रखने की। उसी की मिसाल है हमारे जगदीश भाई। तो जगदीश भाई ने देखो, पास ही गाँव में रहते हैं, गोमती चौराया टाटावाड़ा और देवनगरी राजसमंद का ये सीधा दृश्य है। और भाई ने देखो अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया है, देव नारायण नाश्ता सेंटर के नाम से, समोसा कचौरी नाश्ता सेंटर है। और बहुत ही तो मित्रों, अगर वास्तव में अनुभव प्राप्त किया जाए तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। बस बात है अनुभव की। आज एक दिवसीय हमारी ये राजसमंद की यात्रा रही है और मेरे साथ में आदरणीय बड़े भाई साहब मदन लाल जी ओढ़ हैं। और धीरे धीरे युवा जो है वो कहीं कहीं जागरूक हो रहे हैं और अब धीरे धीरे जो है समाज की जो है वास्तव में समाज की परिवार की सभी की कमान संभालते अब युवा दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी बाल ठीक नहीं हो रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं। बाल से क्या लेना देना, अपन तो व्यक्ति की सफलताओं की ओर देखते हैं। जगदीश जी ठीक मिल जाता है, कैसा रहता है रोज़गार? रोज़गार कैसा रहता है, ठीक रहता है? ठीक रहता है। अच्छा, कब शुरू किया ये? 10 महीने, महीने भर। अच्छा, महीना भर शुरू किया है। और गोमती चौराया है यहाँ पे, जब भी आप यहाँ से गुजरे हैं गोमती चौराया बीच चौराहे के यहीं पे हमारे जगदीश भाई और टाटा वाला वाले बड़े फेमस है और उनका चाय नाश्ता ज़रूर करें। अगर आप उदयपुर से जोधपुर रोड पे जा रहे हैं तो ये बीच में गोमती चौराया पड़ता है, भाई से ज़रूर मिलें और भाई का मनोबल बनाएं। कहने को तो तस्वीरें बोल रही है, सारी तस्वीरें ही आपके सामने भैया है कि छोटा सा उद्योग शुरू किया है, अपना खुद का व्यवसाय है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई को। और हमारे तो जीजाजी भी होते हैं, पामड़ा भी होते, तो हम तो दो शुभकामनाएँ देते हैं कि भगवान ठाकुर जी महाराज आप पे सदा कृपा दृष्टि रखे और सदा आप प्रगति करें। बड़े बड़े भाई साहब दो शब्द बोलो ना जगदीश भाई के लिए, खड़े होके ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा, खड़े होके बधाई देते हुए एकदम। अरे भाई जो ये नया काम शुरू करता है उद्योग तो उसमें बधाई के पात्र होते हैं। तो जगदीश भाई हमारे साथ बहुत बहुत बधाई जगदीश जी को। जगदीश जी ने बहुत समाज सेवा के तौर पर व्यवसाय स्टार्ट किया है, मतलब लोगों की सेवा भी हो जाए और आमदनी भी हो जाए और शुद्ध और क्वालिटी के साथ में चाय नाश्ता जलेबी फाफड़े समोसे। और मैं इनसे यही आग्रह करता हूँ तेल वगैरह सब सही वापरें ताकि अपनी गोमती चौराहे पे छवि अच्छी बने और अच्छी छवि बनेगी तो अच्छा पैसा ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखें, व्यक्ति अगर चाहे ठान ले तो क्या नहीं कर सकता, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, बस अपना लक्ष्य साधने की आवश्यकता है और सभी को जगदीश जैसा बनने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।